हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रहे हैं छेना मटर मलाई। छेना और मटर के बहुत सारे रेसिपी आपने खाए होंगे। एक बार मेरे तरीके से बनी हुई इस छेना मटर मलाई को बना के देखिए। घर के हर एक मेंबर उंगलियां के साथ साथ प्लेट भी चटने लग जाएंगे। जब भी घर में दूध फट जाए, उस छेना को बिना फेंके इस मज़ेदार सा छेना मटर मलाई को बना लीजिए, खा के मज़ा आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, झटपट रेसिपी देख लेते हैं। 1/2 लीटर दूध के छेना लिए हैं। छेना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब इस छेना को रख देंगे साइड में। कढ़ाई के अंदर 2 से 2.5 टेबल स्पून के जितना तेल डालेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 पीस इलायची, 3 पीस लौंग और 3 से 4 पीस काली मिर्च लिए हैं। 1 टीस्पून जीरा। जीरा को चटकने देंगे। 1 छोटे साइज के बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज का कलर हल्का चेंज होने तक भुनेंगे। प्याज का कलर हल्का गोल्डन हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनेंगे। अदरक लहसुन भुन चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। स्लो फ्लेम में मसाले को 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनेंगे। मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। मसाले के साथ टमाटर को मिक्स करते हुए तब तक भुनेंगे जब तक टमाटर का पानी जो है वो पूरी तरीके से सूख ना जाए। मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं, मसाले ने तेल छोड़ दिए हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कटोरी उबला हुआ मटर। 1 ग्लास पानी के अंदर 1/2 कटोरी मटर डाल के 7 से 8 मिनट के लिए बॉइल कर लिए हैं। मटर के साथ ही डाल देंगे छेना। मसाले के साथ छेना और मटर को मिक्स करते हुए भुनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि मसाले का जो फ्लेवर है वो छेना और मटर के अंदर पूरी तरीके से आ जाए। मटर और छेना को भुनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 ग्लास गुनगुना गर्म पानी। छेना और मटर को पानी के साथ मिक्स करने के बाद पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गए हैं। अब ढक के हाई फ्लेम में छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटाएंगे। डाल देंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया को ग्रेवी के साथ मिक्स करते हुए भुनेंगे 1 मिनट के लिए, जिससे कि धनिया का जो फ्लेवर है वो पूरी तरीके से ग्रेवी के अंदर आ जाए। 3 टेबल स्पून मलाई के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से फेंट लिए हैं। अब इस मलाई वाले दूध को डाल देंगे ग्रेवी के अंदर। इस टाइम गैस के फ्लेम को एकदम स्लो ही रखना है, कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करेंगे, वरना मलाई वाले दूध जो है वो फट सकते हैं। स्लो फ्लेम में मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं। अब गैस बंद करके छेना मटर मलाई को सर्व कर लेते हैं। एक बार इस छेना मटर मलाई को घर में ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके ये रेसिपी कैसे बने हैं। खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।